सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह के भाई बज रहे हैं, 11 बज गए होंगे सुबह के। मैं मस्त नहा धो लिया, मैंने पूजा भी कर ली है और डुगू की अभी शायद थोड़ी तबीयत ठीक होगी पहले से, कल से तो बहुत ज़्यादा सही होगी क्योंकि कल बहुत ज़्यादा हो गई थी और ये रात को टाइमली सो भी गए थे और मैं भी थोड़ा सा सो ही गई थी अगर मैं बोलूँ तो भाई वो दोनों के दोनों तो बाहर इस टाइम पे मस्त बैठे हुए हैं वो बाहर ही थे दोनों, और जब मैं शूट करती हूँ तो बालकनी बंद कर देती हूँ क्योंकि बाहर से आवाज़ आती है ना, तो दोनों के दोनों ये देख लो, एक तो ये रही चुरचुंडी, एक ये रहा चुरचुंडा। ए चुंडो, ए चुंडू मुंडू, ए चुंडू मुंडू, देखिए तो देख रहे इतने मारूंगी ना तेरे, हैं इतने मारूंगी ना बंदर जैसी शक्ल की। सुबह से तबाही मचा रखी है एक्चुअली इनकी ना, जो ये टर्नल आप देख रहे हो ना, ये पहले वाली में ना वायर्स निकल गए थे ऊपर की तरफ, तो इसके वजह से वो वायर्स इनको लग ना जाए ना, तो वो हमने टर्नल फेंक दी और ये टर्नल इनकी आज सुबह मंगाई है डुगू ने, तो ये सुबह सुबह आई है। तो उन्होंने इतना आतंक मचा रखा था ना, घर सफाई करने के बाद भी लगता नहीं कि घर सफाई हो चुकी है। और भाई डुगू से मिल लो, फिर ये मेरे को बोलते तो कैमरा बहुत घुमाते, मैंने कैमरा नहीं घुमाया आज, देखो एक ही कैमरे का एंगल ले लिया मैंने, मुझे बहुत डर आगे रखती है ये लड़की। क्या डर आगे रखा है बता रहा, ऐसे बोलती है तू कैमरे का एक एंगल ही ले सकती, कल मैंने एक एंगल ऐसे लिया होगा तो मेरे पीछे दिख रही होगी, तो बोलती है जब मैं इसमें दिख रही हूँ फ्रेम में तो तूने मुझे ऐसे क्यों लिया है, एडिटिंग तो मुझे करनी पड़ती है ना, मैं उनको डांटती रहती है। आज मैंने भी कैमरा साफ नहीं किया, अब आया क्लियर, तब से ब्लर आया जा रहा था, दोबारा शूट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, तो नहीं क्या होने लगी है। अब बताना जरा, अगर मैं इसको बताऊंगी तो सीखेगी कैसे, तो क्या तुम साफ कैमरा साफ करना ही पड़ेगा, तो मैं अच्छी कैमरामैन नहीं हूँ ना, तो बनो, नहीं मैं कैमरामैन नहीं बनना पड़ेगा, मैं सिर्फ कैमरा पे, मैं तो मैं कैमरा पे बोल सकती हूँ या तो मैं कैमरामैन बन सकती हूँ, चॉइस इज योर्स, तो फोन शुरू से मुझे पकड़ा दे, फिर मैं कैमरामैन बन जाती हूँ, तुम बोल लो ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्या कहते हो गाइस, कितना बेस्ट ऑप्शन दिया मैंने डुगू को कि मैं कैमरा होल्ड कर लेती हूँ, आप बोलने का काम कर लो, है कि नहीं, इस बहाने इनका इम्प्रूव भी हो जाएगा गला थोड़ा, हो गया मेरा अभी तो नहीं हुआ, अभी करना बाकी है। तो गाइस अभी मुझे नाश्ता बनाना है और आज मैं सोच रही हूँ कि नाश्ते में क्यों ना मैं बना दूँ टमाटर प्याज की सब्जी मस्त सी, और साथ में रोटी और साथ में अदरक वाली चाय। गुस्से से देख रही है मेरी तरफ, पता नहीं कहाँ देख रही हूँ यार मैं गुस्से से, बेमतलब में मुझे क्यों बदनाम करे जा रही है, वैसे ही लोग बहुत प्यार दे रहे हैं ना मुझे, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें, बताओ मुझे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा भाई, ऐसा है जो भी ये लोग है ना फालतू में मेरे डुगू को आके पर्सनली मैसेज करके कुछ कुछ बोल रहे हैं, प्रैंक की बात नहीं है, वैसे भी जो एक दो मैंने देख लिया, तो अगर तुम ऐसी ऐसी हरकतें करोगे ना तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, फिर मेरे को पर्सनली यहाँ पे मैं आईडीज मेंशन करके बोल दूंगी, प्यार अपनी जगह होती है और तमीज अपनी जगह होती है, तो प्लीज ये सब चीजें मत करो, ज्यादा बदतमीज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, मैं देख रही हूँ, तो ये चीजें मत करो, और आज तक मुझे ऐसा कभी किसी ने नहीं बोला, पता तुझे रिकॉर्ड है आज तक कभी भी किसी ने नहीं बोला, आईडी बताओ, इतने इतने मतलब हेटर्स भी आए, इवन हेटर्स ने भी नहीं बोली इतनी गंदी बात जितना मुझे उस उसने बोली है, उस आईडी से जो मुझे मैसेज आया ना, फेक आईडी थी क्योंकि इनकी होता तो है नहीं उसमें दम कि ये रियल आईडी से आके बोले, अगर होता तो आके बोलते रियल आईडी से, गुर्दा है नहीं इनके अंदर रियल आईडी से आके बोल लेगा, कोई सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए दूसरों को गालियां देते हैं, सही में मैंने सबसे बड़ी बात सुबह सुबह देख लिया मैसेज, तभी मेरे पे छुड़ी हुई है आज तुम, नहीं तभी आज हमारी सुबह से थोड़ा अजीब हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, तभी मेरे पे अजीब सा कर रहे थे, बोला था मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा सुबह सुबह क्यों ऐसे कर रहे हो, तेरे को पड़ी नहीं है कि तुम्हें को खाना बना के लेते, मेरी तबीयत खराब है। तो भाई ऐसा है, ये जो भी हेटर है ना, ये जो भी बहुत ही गंदे गंदे, मैंने और भी मैं देखती हूँ कि गालियां पड़ती हैं, लेकिन ऐसी गालियां नहीं देते तुम जो फालतू के दे रहे हो, तो ये चीजें मत करो, मुझे यहाँ पे फालतू में नाम मेंशन करने पड़ेंगे फिर उनके, भाई जिस भी आईडी से तुमने वो अकाउंट बनाया होगा और आईडीज निकलवानी पड़ेंगी, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, तो देखो प्यार अपनी जगह होती है, मैं फिर वही बात बोल रही हूँ, तुम लोग हमें प्यार करते हो या मुझे पर्सनली प्यार करते हो वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पार्टनर को कुछ भी बोलोगे, ये एक व्लॉग चैनल है, यहाँ पे मजाक भी होगा, यहाँ पे मस्तियां भी होंगी, यहाँ पे प्रैंक भी होंगे, तो तुम अपने दिल पे इतना ले जाने की जरूरत नहीं है, और इतना भी वो मत करो,
और तुम ये इस यशल फैमिली में शामिल भी नहीं हो जो लोग ऐसे घटिया चीजें करते हैं, यू नो एब्यूजिव कमेंट या फिर एब्यूजिव मैसेजेस भेजते हैं, तो ये चीजें मत करो। मैं इससे पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर मैं आखिरी बार ये चीज बोल रही हूँ, और फिर दोबारा से मुझे वही बात है कि अगर ऐसी फेक आईडीज बना के आएंगे कोई भी कमेंट मैसेजेस तो मैं फिर यहाँ पर उसको डालूंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। तो भाई ये चीजें मत करो, प्यार से बोल रही हूँ। और पायल के बारे में तो मैं एक शब्द नहीं सुन सकती, मैं 50 बार ये कमेंट जब किसी का आता है वहां पे भी ये चीज डालती हूँ कि उसके बारे में फालतू मत बोलो, हंसी मजाक चलती यही लाइफ होती है एक्चुअली, ठीक है, हंसी मजाक ये सब कुछ चलता है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, मतलब गवार पना क्यों नहीं छोड़ देते। ऐसी मैं मकबैन पे देखती हूँ, वहां पे आके बोलेंगे चप चप कर रखा है, ये कर रखा है। भाई ASMR का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? अगर नहीं पता तो तुम जाके देखो मकबैन का असली मतलब क्या होता है, पहले वो जाके पढ़ो तुम, फिर जाके तुम बकवास करने आना मेरे चैनल पे, ठीक है। सुबह सुबह मेरे पे दिमाग की दही कर दी, और मेरे डुग्गू देख के किसी के आने की कोशिश की ना अगर तो मुंडी तोड़ दूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा दिमाग खराब, फालतू में मेरे को स्ट्रेस दिए जा रहे हो, कंजर ना हो तो। चल मैंने बोल दिया बदतमीज लोगों को, बाकी लोग देखो पारू पारू करते हैं बाबू, अपन दोनों को पारू पारू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन्होंने ऐसे भी बोला है ना कि भाई यशु का ऐसा नहीं, उनसे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यार एज अ कंसर्न, हाँ तो वो ये पता कैसे लोग हैं, ये ऐसे वाले हेटर है कंजर जो जिनको सिर्फ मजा लेना आता है, ये चाहते ही हैं कि ये इनके बीच में कब घमासान हो, चार गाली हम बके, चार गाली हम दूसरे से बकवाएं, ये ऐसे वाले हेटर होते ही हैं बाबू, कोई नहीं जाने दो। अब 10 अच्छे लोगों में 2 नीच लोग तो होते ही हैं, जो इतने लोग प्यार भी तो करते हैं, फिर आप तो समझाते हो मेरे को, कोई नहीं टेंशन नॉट। और किसी के बुरा भला कह देने से तुम बुरी नहीं हो गई हो, हम किसी को बुरा बोलते हैं तो उसमें हम ही दिखते हैं कि हम कितने बुरे हैं, हमारा दिल कितना काला है। तुम दो चार हेटर्स के वजह से तुम अपना दिमाग खराब कर लोगी, रोज ही आते रहते हैं तो। और बता, मैं भी नाखून पर्टिकुलर गाइस मैं आपको बताना ही भूल गई, मैंने अपने नाखून बढ़ाने शुरू कर दिए, देखो ये देखो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दुग्गू भी अपने नाखून बढ़ा रही है आजकल, पता है मतलब कि मैं तो बड़ा करके, मैं तो इसलिए बढ़ा रही हूँ कि बड़ा करके खा जाऊंगी पागल लड़की गाइस मिनोना की तबीयत आजकल बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, मिनोना के लिए प्रेयर करो जल्दी से ठीक हो जाए। ये पता है कुछ दिन से ना ऐसे मस्त थी, बिल्कुल हंसती खेलती, जैसी मेरे को चाहिए ना बिल्कुल वैसी हो गई थी, एकदम रोमांटिक सी। और फिर पता नहीं मिनोना को नजर लग गई, ये शीशा मैंने तभी तो ढका है, पता क्या करती थी, तैयार होके बैठती थी इसमें और ऐसे, और ये शर्ट वाला कुछ भी पहन के, और बस खुद को निहारती रहती थी। फिर मैंने इसको जितना देखा ना निहारते मैंने उसको बोला कि ऐसे नजर लग जाएगी तुम्हें, अब किशन मौजिए तू मेरी गुल्ली, भूख लगी है, भूख लगी है मेरी बेटी को, ओ मेरी लाडो, ओ मेरी बेटी। थोड़ी देर के बाद गाइस आज डिब्बू का मन नहीं था भाई दाल वाल खाने का, क्योंकि बहुत टाइम से दाल वगैरह खाई रहेंगे, तो मैंने कहा कि ठीक है कुछ अच्छा बना देती हूँ। और अच्छे में मुझे समझ आया टमाटर प्याज की सब्जी, जो कि मुझे अच्छी लगती है जब मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, तो मैंने कहा चलो आज वही बना के दे देती हूँ। तो हम बनाएंगे सरसों के तेल में, वैसे नॉर्मली मैं पीनट ऑयल यूज करती हूँ, लेकिन खांसी हो रही ना डिब्बू को, इसलिए मैं पीनट ऑयल यूज नहीं करी मूंगफली, क्योंकि मूंगफली नुकसान करती है ना, खांसी गला पकड़ती है। तो भाई हम बनाएंगे मस्त, ये देखो टमाटर प्याज की सब्जी, मैंने थोड़ी सी कच्ची हल्दी इसमें क्रश कर दी है, वैसी हल्दी यूज नहीं करूंगी आज, कच्ची हल्दी अच्छी होती है, गर्म भी है क्योंकि। सो मजे आएंगे, बता तो दे क्या क्या कैसे बना रही है। कुछ नहीं है, टमाटर काटो, दो बड़े प्याज ले लो, एक मैंने लहसुन डाल दी थोड़ा सा गर्म रहे, और मैंने छोटी छोटी हरी मिर्च डाली है, बहुत ज्यादा तीखी नहीं है वो, नॉर्मल, और बस इतना ही है इसमें, थोड़ा सा अदरक क्रश करके डाला है, और बाकी जब फिर डालूंगी सरसों के तेल में डालना है जीरा, उसके बाद प्याज भून के टमाटर डाल देने हैं, दिखा साथ साथ में, ये कुकिंग पेज बन गया क्या और क्या है? इसको मैं शल से रसोई पे भी डाल दूंगी दोनों जगह डालोगे जो हुकुम मेरे आका, ठीक है चलो। और मैं आपको बता दूं, ये देखो धनिया पाउडर दिख रहा है, ये मैंने घर पे बनाया है, यहाँ मैं डाल दिया भाई जीरा, जल्दी डाल, उसके बाद डाल दिए प्याज, साथ में टमाटर भी डाल दिए, डालेंगे हींग, ऑलरेडी मैं धनिया पाउडर डाल चुकी हूँ, नमक डाल चुकी हूँ, हम इसमें हींग डाल देंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल देंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा ही डालना है, और मेरा फेवरेट सॉफ्ट पाउडर डालना बिल्कुल ना भूले, इसके बिना मजा नहीं आता जाए, थोड़ा सा और डाल देंगे, जिंदगी में ना कुछ है ही नहीं अगर सॉफ्ट का पाउडर और हींग नहीं है तो। गाइस यहाँ पे अपने प्याज पूरे भून चुके हैं, अब इसमें जाएगा हल्दी,
और साथ में टमाटर हल्दी जो है हमने क्रश करके डाली क्योंकि हमारे पास गीली वाली हल्दी थी। दोनों हल्दी बट इसने गीली वाली डाली है, कच्ची हल्दी। एक ही बात है। इसको थोड़ा पका लेते हैं फिर मिलते हैं। सो गाइस अपनी जो सब्जी है बन के रेडी हो चुकी है। मैं गुस्से में शूट कर रही हूँ, कोई गुस्से में शूट नहीं कर रही मैं, पूरा दिन गुस्से में ही रहूंगी क्योंकि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ तो मैं ऐसे ही करूंगी। हाँ मैं ऐसी ही हूँ, क्या करूँ मैं बता। एक थप्पड़ मार के भी सही कर दूंगी, अच्छी हूँ मैं। लो धनिया ने, धनिया नहीं ना, भर देगी धनिया उसके अंदर। अब देखना जरा जो बोला था वो तो डाला नहीं। अब पता क्या डालना है? दूध डालना है ना इसके अंदर। हाँ ले दही डाल दू, ये बड़ा दूध बता क्या क्या भरू इसके अंदर। दूध और नमकीन डाले इसमें, दो नमकीन डाली है इसके अंदर। थोड़ा सा ही डालियो फटे ना बस। अब मैं खाऊंगी नहीं, इतना सारा क्यों डाला, मैंने थोड़ा सा बोला था बिल्कुल डालने के लिए, बना दिया उसको बिल्कुल। वो और क्या डालना है? तो दूध पकाऊंगी नहीं क्या तेरा? सभी कच्चा खा लेगी। पकेगा क्या दूध? फट जाएगा वो। डाल दूं कुछ नहीं फटेगा, थोड़ी सी डाल से सीख रखा है कि फट जाएगा ना, क्यों फटेगा बस। अब बनेगी टेस्टी सब्जी। अब ये हो गया क्या हो गया, ये सेव टमाटर हो गया, मलाई सेव टमाटर क्योंकि हमने इसके अंदर दूध भी डाल दिया और नमकीन भी डाल दिया। ओह माय गॉड, अब आएगा मजा खाने का। और इधर बना रही है चाय, मैं तो चाय पीऊंगी नहीं, मेरे को तो पीनी नहीं है चाय, तो ये पी लेंगी। तो अभी हम गाइस जब खाना लगाएंगे तब आपसे मिलते हैं चाय का। बाय। आ चुकी है अपनी सब्जी और ये सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। टेस्टी इसलिए बनी है क्योंकि मैंने ना जस्ट लास्ट में यशु को बोला कि इसके अंदर भाई दूध और वो डाल दें नमकीन, तो उसकी वजह से कुछ ज़्यादा टेस्ट हो गया। बैठी कैसे है? तो खा लेते हैं पहले फिर मिलते हैं। तो गाइस रसोई में चलते हैं और देखते हैं किचन में। हेलो जी, की कर दे पाए हो तुसी इत्थे? मैं जान सकती हूँ आप बावर्ची खाने से अपनी तशरीफ ले जाइए, हम आपको ऐसे नहीं बनाएगा तो हम क्या, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते हैं। हम नहीं चाहते हमारे साहब ऐसे खुद के लिए खुद से चीला बनाए सूजी का। देखिए ऐसी बातें करके आप हमारा दिल ना तोड़िए, हम हमारा टूटा हुआ दिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप, हम आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ये इस बर्तन में इतना ये जो घी है वो किससे पूछ के डाला है? आपने किसकी इजाजत से इतना घी डाला है इसके अंदर? ऐसा काम पुट्ठा ही हो गया प्रावा। ओहो चिपकाता ऐसा फेविक्विक दर लगदा जोड़ मेनू, मैं कराए इनू ठीक। इस तरह हमसे नाराज ना होए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी एक बात नोटिस किए कभी, बंदे को जब ऑलरेडी गुस्सा आ रहा हो फिर वो काम ऐसी गुस्से में होता है ना, फिर चीला ऐसे मुड़ जाता है और फिर हम चीले के साथ ऐसे दुर्गति करते हैं। हमको लगता है आपको गैस थोड़ी कम कर लेनी चाहिए। लाओ मैं बनाती हूँ। अरे लाओ मैं बना दू, एकदम पिंक हो रहे हो आज तो कत ही जहर। ओह माय गॉड, ये टी शर्ट को ज्यादा सूट नहीं कर रही है आपके ऊपर? आपने तो कहा था कि मैं टी शर्ट पहन के शूट नहीं करूंगी, है ना? तू ले आई ना जबरदस्ती मेरी तरफ कैमरा करके, मैंने तुझे शूट करने को बोला। क्यों? मैं आपको शूट करना चाहती हूँ कि आप चीले बना रहे हो अपने लिए सूजी के। इतना अच्छा पति किसी का होगा जो अपने लिए सूजी के चीले खुद बनाए, अपनी बीबी को परेशान ना करे, है कोई? अब गाइस की तरफ अच्छा सा मुंह बना लो। अब जब चीले बनवा ही लिए हैं और ये टी शर्ट हैप्पी वाली बना लिए हैं तो अच्छा मुंह बना लो। अच्छा चीला फट गया ना ये थोड़ा, ये वाला बिल्कुल गोल बनेगा। ऐसे लेना है बैटर चमचे में, देख लो चीले कैसे बनते हैं, सूजी वाले हैं ये। इसको ऐसे डालना है और कोई नहीं हो जू सारा काम छेती, ऐसे ऐसे कर देना है। अगर वो चिपके ना तो अच्छे से ना चिपक रहा हो तो ऐसे फैला दे इसकी सहायता से। क्या है लेकिन ये क्या कहते हैं इसको, भूल गई मैं किसका नाम, चमचा। ये देखिए बनके तैयार हो चुका है हमारा डोसा। डोसा ही कहते हैं ना इनू, बस ऐदा ही मुंह बना के रखी ठीक है खुल। चल मैं रख दिया फिर, बना ला तू। ऐसे पलटना है, स्टाइल नहीं मारना है ठीक है, ऐसे छेद करने हैं इसमें ताकि ये अंदर से भी पक जाए अच्छे से, और एक टुकड़ा साइड में से अगर पक जाए तो उसको खा लो। सो गाइस शाम के बज चुके हैं भाई, शाम के बज चुके हैं 7:30 आई थिंक, हाँ सही 7:30 बजे हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं भाई सब्जियां लेने, उस दिन हम लेके आए थे बट अभी यशु की क्या है तो अभी हम सब्जियां लेने जा रहे हैं, बस बात खत्म। और आज हमें वहां पे भी जाना था सलून बट बिजी है वो, तो इसलिए हम जा नहीं पाए। चले हम, हाँ चलो लेट हो रहे हैं, बहुत लेट हो रहा है। अच्छी लग रही है,
प्यार नहीं कर रहा आजकल तुम मेरे को ज्यादा ज्यादा सुंदर नहीं लगते ना लोगों को भी मैं अब तुम लोगों का भी वही राग हो गया कि सुंदर नहीं है ये तो हेल्दी हो गई है मोटी हो गई है ये तो बस अभी थोड़े दिन पतली हो जाएगी प्यार नहीं कर सकते तुम लोग मेरे को मैं मोटी हूँ क्या मैं मोटी हूँ क्या हुआ अगर मोटी हो तो खाने तो तो गाइज ये है हमारी यहाँ पे भाई सब्जी मंडी देख लो और यहाँ पे यशु कर रही है शॉपिंग अब ये ले रही है पालक धनिया तो हमने ले लिया भाई धनिया ले लिया नींबू ले लिए और क्या लिया था नींबू ले लिए धनिया ले लिया और क्या लिया था बीटरूट और अब ले रहे भाई पालक अब हम ले रहे हैं भाई खीरा गाइज हमारी मंडी सब सब्जी मंडी वाली शॉपिंग जो है भाई वो हो चुकी है और पता नहीं आज मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई ना मंडी जाके कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या सब्जियाँ लेनी है एक्चुअली मुझे कुछ गिनी चुनी चीज़ें चाहिए थी जो मुझे नहीं मिली जैसे कि मुझे ऐश गार्ड नहीं मिला मुझे लेमन ग्रास नहीं मिला वहाँ से और मुझे वुड एप्पल नहीं मिला जिसको अपन बेल पत्थर बोलते हैं हमारे यहाँ तो बेल पत्थर बोलते हैं उसको जो खाने का होता है गर्मियों में बहुत मस्त शरबत बनता है उसका तो भाई वो नहीं मिला मुझे तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो मुझे मंगानी पड़ेंगी जैप्टो से सो अभी मंगाएंगे थोड़ी देर में तो भाई फिलहाल हमारी जो शॉपिंग है वो देख लो ये आ गया हमारा वाटरमेलन ये आ गया हमारा पपाया चार किलो का वाटरमेलन है आप लेकर आए हो ना नाले ऐसी लेके आए हैं मौसमी और पपाया पपीता अच्छा नहीं था अंकल के पास इसलिए मैंने यही ले लिया वरना तो मैं मौसमी भी उनके पास यही वैसे सही है बस वैसे छोटी है देसी के नाम पे मुझे याद आ गया आज मैंने टमाटर ना खरीद लिए थे ये तो वो है ये मिंट है ये बीन्स है मेरे को ना टमाटर खरीद चुकी थी ऑलरेडी फिर मेरे को ना देसी टमाटर दिख गए गाइस ये देखो देसी टमाटर बड़े सुंदर होते हैं ये देखो कितने क्यूट होते हैं देखो फिर मैं ले आई ये 20 रुपीज किलो है पहली बार 20 रुपए किलो टमाटर लिया मैंने यहाँ से पहली बार 20 रुपए किलो बता दो देख क्या क्या लेके आई गाइस को मैं पोहा लेकर आई हूँ देखो ये पोहा है ये बीन्स है ये मिंट है ये टमाटर है एंड ये एप्पल है एप्पल कितना सुंदर है मोटे मोटे है ना खट्टे मीठे होते हैं वाले एंड दिस इज ऑल्सो टोमेटो बिकॉज अगर मुझे कहीं देसी दिख जाए तो मैं वो तो लेके रहूँगी चाहे मैंने कितने भी ले लिए हों एंड ये है हरी मिर्ची जिसका रेट है 20 रुपए की पाव एंड गाइस दिस इज बॉचल गार्ड एंड करी लीव्स इसका प्राइस है 30 रुपीज यहाँ पे पीस के हिसाब से मिलती है लौकी मैं बता दूँ लौकी गोभी ऐसा लग रहा है ऑनलाइन सब्जी बेच रही यहाँ पे पीस के हिसाब से मिलती है भाई यहाँ किलो का भाव नहीं है इन चीज़ों में ठीक है भाई रुको जाओ मंडी ना मेरी बेची मेरी गाइस ये है हरा धनिया ये मैं पूरा बंच लेके आई हूँ 50 रुपए का जिंदगी में पहली बार धनिया खरीदा है 50 रुपए का इतना महंगा नहीं खरीदती 40 का खरीद लेती हूँ बट 50 नहीं और स्पिनच भी है ये रहा बट ये पैकेट में नहीं है तो इसको बेड पे नहीं रख रही इसको धो के काट काट के रखेंगे भाई और ये चीज़ें तो यार ये रहे 2 किलो खीरे कहता है कि 40 रुपए किलो है मैंने कहा 2 किलो कर दे भाई तो कहते हैं 80 रुपए मैंने कहा 10 कुछ तो कम कर ले फिर कहते हैं 80 लगेंगे मैंने कहा एक खीरा डाल के दिखाओ ना जरा भाई कुछ तो कम कर ले गाइस ये 2 किलो खीरे हैं और है बस ये उसके अलावा ये है ग्रीन वाला कद्दू ठीक है और मैंने आपको बताई दिया नीचे एक वो है स्पिनच है और भाई आ गए हमारे बीटरूट और इसके अलावा लेमन लेमन इतने महंगे चल रहे हैं इतने दिनों से और मैं आज लेमन लेके आई हूँ 30 रुपए के पाव इसमें है हमारे 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11 पीस देख रहे हो तुम्हारी भाभी वो कह 10 रुपए के 3 ले ले फिर मैंने कहा पाव कहता ठीक के पाव ले ले मैंने कहा दे दो अंकल पाव कोई बात नहीं इसमें क्या बड़ी बात हो गई तो भाई ये है आज का हमारा सारा सौदा सब्जी मंडी लगा लूँ क्या मैं तो सोचू सब्जी की दुकान खोल लूँ ऐसे भीड़ लगेगी ना जैसे दिल्ली में वो वड़ा पाव वाले के पास नहीं लगी भीड़ फिर आ जाएंगे सारे मेरी टीवी हटवाने तभी तो नहीं लगवाती मैं फिर कहोगे दुकान खोल के GST ले लो पर मैं तो ये सोचती दुकान ही ले लो सीधा GST के साथ कोई नहीं चलो भाई थैला ले लो अपना और चलो मामा चलो, चलो। बहुत हो गई तुम्हारी ये सो गाइस रात के पता नहीं कितने बजे हैं 9:30 9:30 बज गए होंगे और आज मैं आपको बता दूं आज रात को मकबंग शूट होगा लेट थोड़ा कल से यशु थोड़ा अलग तरीके का मकबंग शूट करेगी इसलिए आज ही यशु को बहुत मन था कटल गाने का
तो उसने बोला मैं तो रात को ही मकबंग शूट करूंगी। मैंने कहा ठीक है, और शायद मैं ना शायद मैं ना दिखूं मकबंग में, या फिर हो सकता है दिख भी जाऊं, कोई अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है ऐसा। तो आज बनाने वाली है यशु भाई कटल, यहाँ पे ये काट रही है, और इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी यशल्स की रसोई में। मैं इसकी रेसिपी साथ साथ शूट कर रही हूँ, तो यशल्स की रसोई में आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना भाई। ठीक है भाई, चलो जी अभी जरा ये जरा काट वाट ले और ये जरा कर ले, फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। व्लॉग शूट ले कर, करना करना, आप क्यों नहीं करी, कर 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 अभी कर, अभी कर, नहीं तो अभी करेगी, अभी ये व्लॉग में शूट करना था, ये उसमें शूट करना। तो गाइस यहाँ पर भाई हमारा जो कटल है वो बनके रेडी हो चुका है, रेसिपी भी साथ साथ में हमने शूट कर ली है, और कटल की सही में कटल की शक्ल दिखा दे एक बार, बस गाइस को एक बार शक्ल दिखा दे बस, ये देख लो भाई, कटल बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, मैं ये देख लो आपको, बहुत मस्त लग रहा है। और यहाँ पे यशु ने चावल चढ़ा दिए, जैसे ही बस चावल बन जाएंगे उसके बाद यशु करेगी भाई मकबैंग, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा फटाक से जरा। अब और इसके साथ और भी कुछ करना है क्या? इसके साथ कुछ और छाछ भी बनाएगी तू, सारी चीजें आज ही करेगी जब मेरे खांसी हो रही है। ये तो बात होती है, ये बैठ क्या किया। सो गाइज रात के बज रहे हैं भाई 11:14। आज मैं बहुत टाइम के बाद, महीनों के बाद आपको एकदम करेक्ट टाइम बता रही हूँ, और आज तो भैया मैंने बिल्कुल ही कमाल कर दिया। आज मैंने 3 वीडियो एक साथ शूट किए, मतलब हम दोनों ने व्लॉग भी, रेसिपी भी, और भाई मकबैंग भी शूट किया, और मकबैंग जाके जरूर देखना आपको बहुत मजा आने वाला है। और डुगू को पता नहीं खाना खाते ही क्या हुआ, एकदम से खांसी फिर से छिड़ गई, वरना बहुत बहुत सही थे आज ये। तो मैं बस अब ज्यादा टाइम आप लोगों को ना जाया करते हुए, हमको तो बाद में देखना, पहले सोन परियों को देख लो। हाँ जी साहब जी, उसको दे पीछे वाले को, पीछे वाले को सपने आ रहे हैं क्या, सपने आ रहे हैं क्या तेरे को साहिब? किसी ने स्टैचू किया है तुझे? गर्मी लग रही है साहिब, किसी ने स्टैचू किया है क्या तुझे? ऐशु भी देख उसको क्या हो गया, साहिब क्या हो गया तेरे को, ये तो क्यों ऐसे पड़ा है? पर मैं नहीं जान क्या हो गया, तो मुंह पे से हाथ ही नहीं टारा साहिब। अच्छा है, मुझे लगा निकल लिया था, हरकतें ही जब ऐसी थी इसकी, मैं क्या पता नहीं क्या हुआ। ये जो बराबर में सामान देख लो ना सब, ये कभी कुछ करके यहाँ से वहां गिराते रहते हैं, बहुत दुखी कर रखा है इन्होंने, बहुत दुखी। मैं तो बहुत ही परेशान हूँ इन कमीनों से। हाँ लड़ लो कंजरो, लड़ लो, तुम शर्म तो है ही नहीं तुम्हें बिल्कुल जरा सी भी, सारा दिन बस लड़ना लड़ना लड़ना। आज भाई हमने बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ही ज्यादा, हम मंडी गए थे, मैं मंडी गई थी सब्जी वब्जी लेके आई हूँ, फिर हम लोग मार्ट गए थे, मार्ट तो नहीं गए हम, शॉप पे गए थे, नहीं गई थी ना मैं मार्ट, गई थी। तो भाई ऐसा है सारा चीजें, तो भाई फिलहाल अब हम ब्लॉग एंड कर लेते हैं। और प्लीज गाइस यशस मकबैंग को देखना मत भूलना, वीडियो जल्दी ही मिलेगी आपको, बहुत ही प्यारा वीडियो है, मैंने उसमें कटहल बनाया है, और कटहल की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आज मैंने रेसिपी भी शूट की है, तो वो आपको मिलेगी यशस की रसोई पे, और कटहल खाने वाला जो वीडियो है वो आपको मिलेगा यशस मकबैंग पे। तो गाइस यशस मकबैंग, यशस की रसोई, यशस ब्लॉग, यशस शॉर्ट्स, ये सारे हमारे चैनल्स हैं, प्लीज इनको बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा प्यार दो, और यशस व्लॉग पे जल्दी से 400 के करा दो, 375 के ऑलरेडी हो चुके हैं, तो गाइज जल्दी से जल्दी मेरे को बस चाहिए कि आप इसके 400 कराओ, तभी तो बोलूंगी कि 500 करा दो, तभी तो बोलूंगी 1,000,000 करा दो, कब कराओगे, इतने जन्म बीत गए, बहुत खांसी आ रही है, मत बोलो। तो बस गाइज इसी के साथ आप लोगों ने बहुत हमें अभी तक प्यार दिया है, तो आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहो, और इंस्टाग्राम पे जल्दी ही बहुत ही मस्त वीडियोज आएंगी, डोंट वरी। मुझे पहले थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए ऐसा हुआ। सो कोई बात नहीं, जल्दी आएंगी नई वीडियोस, आपको बहुत मजा आएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज गाइज हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दो, शेयर करो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। क्या ढूंढ रहे मेरे कान में?